हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस, और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रैनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा था, उसकी कंप्लीट वर्ड मीनिंग, यानी कि ए टू जेड जो भी वर्ड है, टोटल 1238 वर्ड है, मतलब कि टोटल 1238 वर्ड है, और 1238 वर्ड का 1238 वर्ड का वर्ड प्रोनंसिएशन और जो वर्ड मीनिंग है, उस सारी चीज़ आपको इस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं टोटल 1238 वर्ड है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, प्रत्येक वर्ड का जो है प्रोनंसिएशन और जो उसका वर्ड मीनिंग आपको इस पीडीएफ फाइल के अंदर मिल जाएगी। तो आप जो है इस पीडीएफ फाइल को फ्री ऑफ कॉस्ट में कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन से डाउनलोड करके इसमें इसकी जो है इसकी हेल्प से आप जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को पढ़ सकते हैं, इसके जो मतलब है, इसके जो माने हैं, उसको भी आप जो है समझ सकते हैं। तो हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर कि कहाँ से, किस सेक्शन से आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में इस जो है पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, जस्ट फॉर रिमाइंडर, एक रिमाइंडर के तौर पे, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोहरेंट इंग्लिश क्लासेज 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये तीनों क्लास, अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं जो कि 10वीं, 11वीं या 12वीं को पढ़ाते हैं, तो आपके लिए हमारी एक कोर्स आती है कोहरेंट इंग्लिश क्लासेज की, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पूरी चैप्टर, चाहे 10वीं का हो, 11वीं का हो या 12वीं का हो, पूरी चैप्टर का हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय मोहनदास करमचंद गांधी, देखिए पूरा इंट्रोडक्शन है जो कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ है, एक लाइन इंग्लिश, एक लाइन हिंदी, और साथ में वर्ड का मीनिंग भी दिया, जैसे स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल का यहाँ देखिए आध्यात्मिक, तो इस तरह से वर्ड मीनिंग भी आपका स्टॉक होता जा रहा है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर वो भी समझ पा रहे हैं, और साथ में वर्ड सेंटेंस का जो मीनिंग है वो भी, और जो सेंटेंस दिया गया है वो बहुत ही छोटा छोटा तोड़ तोड़ कर जो हम लोग सेंटेंस को इसको बनाए हुए हैं, तो ये किताब होती है। और साथ में यहाँ देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, पैराग्राफ पूरा ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करने के बाद नीचे देखिए आपको प्रोनंसिएशन भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल कंडीशन, इसका जो है नीचे देखिए प्रोनंसिएशन भी दिया हुआ है, पिटिएबल कंडीशन। तो देखिए आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में क्या परेशानी होती है, पहली परेशानी होती है कि वर्ड का जो है सही से आप जो है प्रोनंसिएशन नहीं कर पाते हैं, उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो ये किताब के अंदर आपको प्रोनंसिएशन भी दिया हुआ है, साथ में छोटा छोटा वर्ड है, ऐसा नहीं कि भारी भारी वर्ड को एकदम लंबा सा सेंटेंस बना के दिया हुआ है, तो आसान सेंटेंस रहता है इसको जो है पूरी चैप्टर का। इसी तरह जो है आपका जो क्वेश्चन आंसर उसका भी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन रहता है, साथ में जो वर्ड मीनिंग आपको मिल ही गया यहाँ पे, पूरा वर्ड मीनिंग यानी कि जितना भी वर्ड होता है वो सारे वर्ड का जो है मीनिंग भी मिल जाता है, साथ में जो समरी होती है उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहती है, मतलब कि पूरी कंप्लीट कोर्स है। और इसी के बेस पर देखिए इस तरह से हम लोग पढ़ाएं तो हमारा जो इस बार 2021 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि पास हुआ है 2021 के अंदर इस किताब की मदद से, ये देखिए आपको पूरा कंप्लीट निशांत सत्यम, इसका रोल कोड, इतना रोल नंबर यहां पे दिया हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ कोहरेंट इंग्लिश क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहा है रोल कोड और रोल नंबर। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए वो तो कहेंगे आपको कि 100 में 100 लेकर आया, लेकिन जब उससे रोल कोड या रोल नंबर मांगिएगा वो नहीं देगा। सीएम कॉलेज दरभंगा से 93% मार्क्स लाए, देखिए 100 का पढ़ाएं तभी तो 93% मार्क्स आया। उसके बाद यहाँ देखिए सृष्टि कुमारी है, ये रोल कोड है, ये रोल नंबर है, इनका जो है मार्क्स है, साथ में ये देखिए आप यहाँ भी देखिए एमडी कैश है, इनका रोल कोड, रोल नंबर, सीएम कॉलेज दरभंगा से है। उसके बाद देखिए मोहम्मद इनायतुल्लाह, ये जो है इनका रोल कोड, रोल नंबर दिया हुआ है, सरयू हाई स्कूल जो है सुरसंड सीतामढ़ी से है, इनका 85% मार्क्स आया है। उसके बाद देखिए आयुष कुमार हैं, ये जो है वाई बी के इंटर कॉलेज मीनापुर मुजफ्फरपुर से 84% मार्क्स आया, मतलब यहाँ पे आप जाइएगा तो हर कॉलेज, हर जगह बिहार के पूरे डिस्ट्रिक्ट से 214 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 75% और एवव, मतलब कि 75 से एवव मार्क्स उठाया। तो अभी भी समय आपके पास है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है आसानी से हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट फॉर 500 रुपीज़, सिर्फ 500 रुपये हम लोग लेते हैं, जिसमें 350 रुपये की तो सिर्फ किताब होती है, उसके बाद जो पोस्टेज चार्ज होता है यहाँ से भेजने का उसमें 50 रुपये लग जाता है, और पूरी वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पूरी किताब को, आपका एक भी जो है देखिए पूरी रामायण हम पढ़ाएंगे तो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव कैसे छूटेगा, एक एक करके पूरी चैप्टर का पूरी लाइन को हम लोग पढ़ाते हैं, पूरा वर्ड मीनिंग करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, समरी रहता है पूरा, तो आपका नहीं छूटेगा। तो इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो आपके पास अभी स्टिल यू हैव 4.5 मंथ्स, मतलब 4.5 महीना आपके पास है, आप बैठ कर घर पर जो इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तब भी आपके लिए किताब जस्ट फॉर रेफरेंस, मतलब रेफरेंस के लिए बेहतर है।
अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप ये किताब आपके लिए जो है बेहतर है। और साथ में अभी हम लोग एक नया स्पोकन सीरीज स्टार्ट किए हैं, देखिए इसमें भी इसी तरह का वर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ड उसका जो है मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है और साथ में जो प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है वर्ड भी दिया हुआ है, प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, मीनिंग भी दिया हुआ है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होता है वो भी दिया हुआ है, साथ में एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे हम कहेंगे एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट योर टर्म, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो इस तरह से आप पढ़िएगा, मतलब पहले वर्ड का जो है सो प्रोनाउंसिएशन को समझ लीजिए, मीनिंग को समझ लीजिए, उसके सिनोनिम्स को समझ लीजिए, एंटोनिम्स को समझ लीजिए और साथ में जो है इसके जो पूरे सेंटेंस को समझ लीजिएगा, तो आपकी जो पूरी वर्ड है उस पर पूरा कमांड हो जाता है और फिर आप कब ज़्यादा दिन तक याद रहता है और भूल नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आप इसको इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं या इसकी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन कोहरेंट इंग्लिश क्लासेज है, जिसे अभी हम आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे ये सारी पीडीएफ फाइल को आप जो है पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस सभी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले करना ये होगा आपको कि एक हम लोग की एप्लीकेशन है कोहरेंट इंग्लिश क्लासेज, इस नाम से आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं कोहरेंट इंग्लिश क्लासेज, या फिर इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को फॉलो करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद साइनअप करना होता है, साइनअप में आपका जो नाम एड्रेस और जो आपको एक अकाउंट बनाना होता है अकाउंट बना लीजिएगा। जैसे ही अकाउंट बनाइएगा और उसके बाद इंटर होइएगा तो ये इस तरह का जो आपको एक इंटरफेस हो जाएगा। इंटरफेस के अंदर आपको कुछ जो है प्रोडक्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ जो है ये पेएबल है। जैसे हम देखिए यहाँ पे स्पोकन कोहरेंट स्पोकन डिक्शनरी, ये वो डिक्शनरी है जिसमें पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेट किया हुआ रहता है, मतलब सेंटेंस भी ट्रांसलेट किया रहता है, साथ में जो है प्रोनंसिएशन वर्ड मीनिंग और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दी रहती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा ए बी सी कैटेगराइज किया हुआ है, इसको आप जो है कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका जो पीडीएफ फाइल है जो कि आपको जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का पूरा कंप्लीट पीडीएफ जो चाहिए वर्ड मीनिंग का, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ये पूरा ग्रामर का जो है पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बिना पैसा लिए हुए आपको जो है प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पूरी ग्रामर की ऑब्जेक्टिव टोटल 22 टॉपिक आती है, टोटल 22 टॉपिक से आपको जो पीडीएफ फाइल मतलब कि आपको जो ऑब्जेक्टिव आती है उस ऑब्जेक्टिव को आप डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। साथ में जो है ये देखिए नीचे से स्टार्ट होता है पहला 22 के बाद जो पहला नंबर है वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ देखिए ये एक पहला जो है चैप्टर है, इसीलिए इसके अंदर पूरी चीज़ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो ट्रांसलेशन है वो पूरा फाइल मिल जाएगा आपको। समरी जो है इंडियन सिविलाइजेशन का लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट किया वो मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर जो है वो भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का वो भी मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो इंडियन सिविलाइजेशन का वो भी मिल जाएगा। और वर्ड मीनिंग जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है जिसे अभी हम लोग डिस्कस किए हैं वो नीचे में दिया हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ वीडियो और साथ में यहाँ पर पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा समय लेगा आपको और आपका जो है पीडीएफ फाइल वो खुल जाएगा। फाइल क्योंकि लंबा है इसकी वजह से थोड़ा सा समय लगता है, टोटल जो है 20 पेजेस का जो फाइल है तो उसे अपलोड होने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए आपका ये पूरा हो गया, आप इसे पढ़ भी सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। पढ़ना है तो आप जो लेफ़्ट राइट करके इस तरह से ऊपर नीचे नहीं होगा, लेफ़्ट राइट में आप जो है इसको क्लिक करके पूरा को आप मतलब देख सकते हैं। अगर ये फाइल अच्छा लगता है आपको कि नहीं इसको डाउनलोड करना है तो नीचे में डाउनलोड बटन है, डाउनलोड बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपको डाउनलोड सेक्शन में लेके जाएगा। देखिए यहाँ 6 वर्ड मीनिंग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा एक नॉन स्किपेबल ऐड होगा, मतलब कि वो ऐड को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको देखना ही पड़ेगा। वो 10 से 15 सेकंड का जो है सो एड्स होता है, उस एड्स को देखना होगा। जैसे ऐड देख लीजिएगा नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा सीधा डायरेक्टली जो है ये फाइल आपके मोबाइल के अंदर जो है डाउनलोड हो जाएगी। आप इस डाउनलोड करके आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं या फिर जो है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह से, और साथ में थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें कि हम लोग जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या क्या देते हैं। आपको कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला तो ये हो गया, अब पेबल जैसे 12th क्लास की ये देखिए येलो कलर की किताब है, 500 रुपये हम लोग लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट मांगेगा, लेकिन अभी क्योंकि ये खुला हुआ है मेरे अकाउंट में इसलिए अब हम कोई पेमेंट नहीं मांगेगा। यहाँ पे जब आप आ जाइएगा तो यहाँ पे देखिए इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ हिस्ना, पूरा चैप्टर यहाँ चढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा इससे लेटर राइटिंग, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये सारा चैप्टर दिया हुआ। किसी भी एक चैप्टर को जैसे आई हैव अ ड्रीम पे आप क्लिक कीजिए,
जैसे ही आप आई हैव अ ड्रीम पे क्लिक कीजिएगा तो ऑथर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले होता है, वो रहा पैराग्राफ 1 से 3, 4 से 6, 7 से 11, 12 से 19, ये इस तरह से, क्योंकि देखिए पैराग्राफ एक ही बार में अगर हम पढ़ा देंगे 2 घंटे का वीडियो होगा, आप भी बोर हो जाएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा और जो मैंने मेहनत किया उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, छोटा छोटा तोड़ तोड़ कर 2 रोज़ 3 रोज़ में एक पैराग्राफ को पढ़ा दिया, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, समरी हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, ये सारा चैप्टर आपको इस तरह से, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका जो है ये वीडियो थोड़ा सा अपलोड लेने में डेटाबेस को फिच करने में लगता है, तो यहाँ देखिए आपको वीडियो हो गया, PDF फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट भी दिया हुआ है, पूरा टेक्स्ट के फॉर्मेट में आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है घर पर बैठकर पूरी की पूरी चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।